नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉलेज फ्रॉम आरपी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 9 की, और हमारा विषय होगा बात करने का कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में जो लोकेशन प्रेफरेंस है वो आप कैसे चुनें। लोकेशन प्रेफरेंस जैसे कि वहाँ पर आप जब भरते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ लोकेशंस आती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, बालासोर और भी कई सारी, कोच्चि, जोधपुर। तो चूंकि डीआरडीओ के फैसिलिटीज़ जो हैं वो सब जगह अलग अलग जगह हैं, तो वो अलग अलग लोकेशंस हैं, तो आपको उसमें प्रेफरेंस देना है तो वो एक सही ऑर्डर में होना चाहिए, और आपको भविष्य में कोई परेशानी दिक्कत ना हो और उसको देख कर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं कि जैसे कि आप सपोज करिए कि मैं बनारस में रहता हूँ, तो मैं प्रेफरेंस किस हिसाब से लूँगा। मैं प्रेफरेंस इस हिसाब से लूँगा कि जो शहर थोड़ा अच्छा हो, रहने लायक हो, मॉडर्न हो, जहाँ पर आपको भविष्य में आपकी फैमिली को रखने में दिक्कत ना हो, सारी सुविधाएं हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब हो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको सबसे पहले देखनी है कि आपका जो घर है, जहाँ आप अभी रहते हैं, आपका गांव है, वहाँ से उस जगह की कनेक्टिविटी कैसी है, जैसे कि रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी, और वो कितनी दूरी पर है। अब मेरे लिए, मैं वाराणसी में रहता हूँ, अगर वाराणसी में रहता हूँ और मुझे जोधपुर सपोज़ करिए कि लोकेशन मिल जाती है, तो मुझे जोधपुर से बनारस आने के लिए मुझे 3 दिन लगभग ट्रेन में बिताने पड़ेंगे, और डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं चलती है जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी है, और अपनी गाड़ी से तो इतना लंबा सफ़र करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे केस में मैं दिल्ली सबसे पहले प्रेफर करूँगा, क्योंकि दिल्ली से बनारस के लिए डेली कम से कम 8 से 10 फ्लाइट्स आती हैं, 2,000-2,500 का टिकट है। तो मुझे अगर कभी अचानक आना होगा भविष्य में, क्योंकि आपकी पहली पोस्टिंग जो होगी वो 5 साल आपको वहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 साल आप जहाँ रहने वाले हैं तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा होता है अगर आप पास का, जैसे आगरा भी लोकेशन है मेरे जॉब पोस्ट के लिए, जो कंप्यूटर साइंस है, आगरा है, लेकिन मैंने आगरा को तुरंत नहीं भरा, क्योंकि आगरा से मुझे ट्रेन से आना पड़ेगा, मुझे रात दिन 1-2 दिन लग सकता है। दिल्ली से भी लगभग 1-2 घंटे का फ़र्क आएगा, लेकिन मुझे बाकी सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, दिल्ली में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, दिल्ली में डीआरडीओ भी आपको ज़्यादा फैसिलिटी दे पाएगी आगरा की अपेक्षा। उसके बाद मैंने बेंगलोर डाला है, बेंगलोर है, पुणे है, ये सब अच्छे शहर हैं, रहने लायक हैं, और बेंगलोर पुणे तो दिल्ली से भी अच्छे हैं, क्योंकि वो हरे भरे ग्रीन सिटी है, वहाँ प्रदूषण वगैरह का उतना चक्कर नहीं है, और मतलब काफ़ी समझदार लोगों का शहर है वो, वहाँ पर गंदगी वगैरह ये सब नहीं देखेंगे आप। तो वो सब भी आप अपने पोस्ट लोकेशन प्रिपरेशन प्रेफरेंस में उसको ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे बालासोर है, पन्नासोर, पता नहीं क्या उसमें था, कोच्चि था, तो ये सब बहुत ही इरेलीवेंट सा है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको दी जाएगी। जैसे आप मेरिट में हाई हैं, अगर जो पहले नंबर पे मेरा नंबर पे है, अब उसका जो जॉब प्रेफरेंस होगा उसको आप ऑप्शन देंगे कि आप इसमें से कोई भी ऊपर नीचे करके चुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टॉप की दिल्ली है, दिल्ली बहुत सारे लोग भरेंगे, आप दिल्ली क्योंकि सबके घर से पास होता है अक्सर, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, वहाँ से हर जगह के लिए आपको कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है। अब दिल्ली में क्या होगा कि जो टॉप के 10 लड़के होंगे या 5 लड़के होंगे, उनको दिल्ली लोकेशन, या 2-3 लड़के होंगे, उनको दिल्ली मिल जाएगा, फिर वो दिल्ली खत्म हो जाएगा, भले आपने टॉप पे भर रखा है, लेकिन फिर आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। दिल्ली के अलावा जो बचे होंगे उसमें से आपको बेस्ट मिलेगा जो आपने भरा होगा। तो ये सब ध्यान दीजिए, प्रेफरेंस एकदम अच्छे से भरिए, और अभी भी अगर आपको जॉब प्रेफरेंस लोकेशन पे जो है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, दूसरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसके बाद, वो होगा बुक्स टीयर 2 के ऊपर। टीयर 2 के ऊपर बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में अभी से उनके अंदर खलबली मच गई है, जो कि कोई मतलब अलग बात नहीं है, नॉर्मल बात है, लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि किसी भी बुक्स पे डीआरडीओ सेप्टम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आप वो बुक पूरी चार्ट डालेंगे तो आपका वो निकल जाएगा। मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था और मैंने ये बुक खरीदी थी, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, लेकिन सच्चाई में इस बुक से 1% की चीज़ नहीं आई, ये सिर्फ फर्जी है। किताब वाले क्या करते हैं, वो धंधा करते हैं, उनको बिजनेस है, उनको पैसा कमाना है। अरिहंत तो वगैरह कुछ पब्लिकेशन है, ये भी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी छाप के दे देते हैं आपको, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर कोई सब कोर्स निकल गया तो क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस के जो अन्य पेपर होते हैं गेट वगैरह के लेवल के या फिर कोई और लेवल के, वो क्या करते हैं, उसी का मटेरियल सब कॉपी पेस्ट करके छाप करके एक नई बुक तैयार कर देते हैं, कवर पे लिख देंगे डीआरडीओ सेप्टम फॉर टेक्निकल असिस्टेंट ये वो, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, सीटें 10, 20, 50, 100 हैं, तो वो बुक चाट के जाने वाले बहुत हैं वहाँ पर।
आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जो मेन हैंडबुक्स आती हैं उस चीज़ की, जैसे सी लैंग्वेज है तो पर्टिकुलर सी के लिए आप पढ़ेंगे, जब डीप में पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी कॉन्सेप्ट, फिर आप जा करके एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अच्छे से अच्छा करने वाले का चांस है, अच्छा अच्छा करने वाले का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अच्छा करने वो बुक तो लगभग लगभग 90% लड़के खरीदेंगे, 250-250 रुपये की है, कोई वो नहीं है, और सोचेंगे कि मैं बस वही पढ़ लूँ तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलती में बिल्कुल मत रहिएगा। आपको मैं बताऊँगा टीयर ट्यू के लिए कि आप कौन कौन सी बुक फॉलो करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी हैं, मैं उसकी जानकारी नहीं रखता, फिर भी मैं एक आइडिया आपको दे दूंगा अगले वीडियो में कि आप कैसे बुक्स का चुनाव करें, कैसे एग्जाम्स के बुक्स को प्रेफर करें, कैसे अपने टॉपिक्स चुने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो अभी आपके बुक बुक के चक्कर में मत पड़िए टीयर टू के, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा बुक्स के, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके ले सकेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आती हो यार, काम की चीज़ है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? व्यू आ जाते हैं 800, 900, 1000, 3000, लेकिन लाइक आता है 10, 20, 50। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करो, तभी तो पता चलेगा कि कुछ काम का बता रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर मैं भी डिमोटिवेट होकर वीडियोज़ वगैरह बनाना बंद कर दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया में आपने ऐसे कोई ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के लोग हैं जो DRDO का फॉर्म भरना चाहते हैं, नहीं जानते हैं वो उसको जाने भरें, तो मेरे जो वीडियोस होती हैं अगर आप उसको शेयर कर देंगे तो शायद उन लोगों को भी पता चल जाए चीज़ों को। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं, वहाँ पर भी वो अपने हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कोई पूछता है, अगर आपको उसका जवाब पता है, पक्का पता है, तो आप उसका जवाब दे दिया करें। मैं देखता हूँ कि लाइन से क्वेश्चन रहते हैं, सारे जवाब मुझे देने पड़ते हैं, अगर मैं सारे जवाब देने बैठ जाऊँगा तो ग्रुप तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए उसमें, 100 मेंबर, कल को 250-300 हो जाएंगे, तो मुझे दूसरा ग्रुप भी बनाना पड़ेगा क्योंकि 200-250 की लिमिट है आपके व्हाट्सएप पे। तो बने रहिए साथ में, करते रहिए तैयारी, अभी बहुत समय है, आराम से तैयार करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक दिन में पूरी एक किताब चाट डालिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि वो दिमाग में बैठ जाए। 1 घंटे 2 घंटे ही दीजिए, वो आपको पूरा स्ट्रेटर्जी, फाइनल स्ट्रेटर्जी मैं एक बताऊँगा, और साथ में तैयारी भी साथ में शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बने रहिए, थैंक यू, धन्यवाद भारत माता की, जय जय हिंद।